Hello everyone, this is Tanuja Gupta and today we will talk about the next part of the flower which is what? Androecium. इससे पहले हम बात कर चुके हैं कैलिक्स एंड कोरोला के बारे में, ठीक है? चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं. सी, ये क्या है? जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ फ्लावर में फोर पार्ट्स होते हैं, उसमें से थर्ड नंबर का पार्ट है एंड्रोसियम, जिसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. क्या है ये? इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि इससे क्या होता है? पोलन ग्रेन्स बनते हैं, राइट? ओके. इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं विच इज़ कॉल्ड दी स्टेमेंस. ओके, फाइन. ये स्टेमेंस जो होता है, ये क्या होता है? इट्स अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. उसमें क्या होती है? यहाँ पे ऊपर स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. इट इज़ कॉल्ड दी एंथर एंड दिस लॉन्ग स्टेल्क लाइक इज कॉल्ड दी फिलामेंट. ठीक है, ये एंथर जो होता है इट इज़ बायलोब्ड. एज यू कैन सी, यहाँ पे क्या है? दो लोब प्रेजेंट होती है एंड ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू और हैविंग टू पोलन सैक. क्या है? टू पोलन सैक, या फिर आप बोल सकते हो कि दो चैम्बर होते हैं. इट्स लाइक दिस. अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक तरह से डिवाइड रहते हैं ये फोर चैम्बर लाइक दिस, ठीक है? 1 2 3 4, फाइन. ये टू लोब हो गया, वन लोब टू लोब. ओके, सो ये टू पोलन सैक है एंड इसमें अल्टीमेटली क्या होता है? पोलन ग्रेन्स सिंथेसाइज होते हैं. क्लियर? ठीक है, फाइन. पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बनते हैं. ओके, तो एक तरह से यहाँ हम बोल सकते हैं फोर पोलन सैक प्रेजेंट है. क्लियर? नाउ इसके अलावा और क्या होता है इसमें? अगर ये स्टेमेंस जो होते हैं ये सारे स्टराइल होते हैं, यानी कि ये कोई भी पोलन ग्रेन सिंथेसाइज नहीं करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड दी स्टेमिनोड. क्या बोलते हैं हम इसको उस कंडीशन में? स्टेमिनोड. क्लियर? ठीक है. नाउ पोलन ग्रेन्स ऑब्वियसली, ये जो स्टेमेंस है ये एक से ज़्यादा होते हैं व्हेन दे आर प्रेजेंट मोर देन वन, ठीक है, स्टेमेंस. तो क्या हुआ? इसको हम कहते हैं पॉलीएंड्रस. पॉलीएंड्रस मतलब कि इस कंडीशन में स्टेमेंस सारे क्या है? एक दूसरे से फ्री कंडीशन में इंडिविजुअली सब प्रेजेंट होते हैं, बट इफ़ दे आर फ्यूज टुगेदर, मतलब कि आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन हो जाएगी, फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा. बट ये फ्यूज़न भी बहुत तरह से होता है, बहुत अलग अलग पैटर्न है जिसके बेसिस पे ये सारे स्टेमेंस अलग अलग पैटर्न में जुड़े रहते हैं. तो चलिए हम सारे डिफरेंट पैटर्न्स को डिटेल में स्टडी करते हैं. सो अब हम लेते हैं जब क्या है पोलन, ये स्टेमेंस जो हैं वो क्या हैं? फ्यूज हैं, फाइन. अभी फ्यूजन भी बहुत अलग अलग है, दो तरह का होता है. वन इज कॉल्ड दी कोहेशन एंड अनदर इज कॉल्ड दी एडहेशन. क्या है इन दोनों का मतलब? कोहेशन में क्या है कि स्टेमेंस ही आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज रहेंगे, ठीक है? यानी कि यहाँ पे स्टेमेंस ही एक दूसरे के साथ क्या है? फ्यूज विद ईच अदर. क्या है? विद ईच अदर. ओके, बट एडहेशन में क्या है? दे फ्यूज विद अदर पार्ट्स, विद अदर पार्ट्स, अदर फ्लोरल पार्ट्स बोल सकते हो, या अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर. अंडरस्टूड? यानी कि क्या हो सकता है कि ये पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है सेपल्स के साथ जुड़ा हुआ, या फिर हो सकता है गाइनोसियम ओबरी के साथ जुड़ा, ठीक है? तो उस कंडीशन में ये क्या है? एडहेशन. चलिए पहला हम लेते हैं कोहेशन. कोहेशन में सबसे पहली कंडीशन में आता है दैट इज एडेल्फी. क्या है? एडेल्फी. एडेल्फी में क्या होता है? बिकॉज एज आई टोल्ड यू स्टेमिन में दो पार्ट है, वन इज कॉल्ड दी फिलामेंट अनदर इज कॉल्ड दी एंथर, ठीक है? एडेल्फी में क्या है? अगर ये सारे स्टेमेंस में जो फिलामेंट है ये तो क्या है? फ्यूज्ड है. फिलामेंट तो फ्यूज्ड है एंड एंथर्स आर फ्री. और एंथर्स क्या है? फ्री कंडीशन में, ठीक है? यानी कि नीचे से एक बंच कर फ्यूज करके क्या बनाते हैं? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ऊपर से पूरा यहाँ पे एंथर जो है वो सारे फ्री कंडीशन में होते हैं, ठीक है? इसको हम बोलते हैं एडेल्फी. नाउ ये भी बहुत तरह के होता है. उसमें फर्स्ट टाइप है विच इज कॉल्ड दी मोनो एडेल्फी या मोनो एडेल्फस, ठीक है? यानी कि मोनो यानी कि सारे स्टेमेंस मिलकर क्या बनाते हैं? एक बंच बनाते हैं, सिंगल ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है? फाइन, सारे एक साथ जुड़े हुए हैं और सिंगल ट्यूब बना लेते हैं. जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे शो करना चाहूँ तो ये किस तरह से का होगा? इट्स लाइक दिस, ठीक है? ये तो क्या हुआ आपका? ओवरी हो गया. इट इज़ दी ओवरी. और इसके ही यहाँ पार्ट से
ये क्या बन गया, ये पूरा नीचे क्या है, पीछे की तरफ पूरा ट्यूब है किसका, स्टेमेंस का, और यहां से पूरे ये निकल कर आ रहे हैं क्या, एंथर्स लाइक दिस, क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से जुड़े रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ मोनो अडल्फस इज चाइना रोज। ठीक है, ओके, चलिए अभी सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है, दैट इज दी डाई अडल्फस, यानी कि इसमें क्या है, सारे फिलामेंट जितने भी हैं वो सारे डिवाइड होके दो ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनती है इसमें, दो ट्यूब बनती है, यानी दो में डिवाइड हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, इट्स लाइक दिस वन, कि यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे दो ट्यूब बन गया और इसमें से क्या निकल रहे हैं, एंथर्स निकल रहे हैं, और यहाँ पे एक सिंगल एंथर, समझ आ रहा है, एक ये ट्यूब हो गया, एक ये ट्यूब हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है इसका, पी बीन, अगर आप उसमें देखोगे तो इस तरह का ही होगा। बट इसमें अरेंजमेंट क्या होता है, इसमें टोटल कितने स्टेमेंस होते हैं, 10 स्टेमेंस होते हैं, उसमें से 9 स्टेमेंस एक ट्यूब बनाते हैं और एक अलग से ही प्रेजेंट होता है। तो इट्स 9+1 का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है इन डाई अडल्फस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं इसमें ही अडल्फस में, दैट इज दी पॉली अडल्फस। क्या है, द थर्ड वन इज पॉली एडल्फस, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, मोर देन टू ट्यूब्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे अरेंजमेंट हो गए, कैसे हो गए, लेट्स हैव अ लुक। ये हो गया अरेंजमेंट, इट्स लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये पूरा, और इसमें सब में से क्या निकल रहा है, एंथर्स निकल रहे हैं ऐसे कुछ इस तरह से। ओके, देखिए सारे इसमें एंथर्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। ओके, फाइन, तो आप देख रहे हैं कि मोर देन टू ट्यूब्स यहाँ पे प्रेजेंट है और इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन इज सिट्रस। ओके, क्लियर, चलिए अब हम देखते हैं। ये तो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था एडल्फी, सेकेंड वन क्या है, दैट इज दी सिनजेनेसियस। ओके, इसमें क्या है, इसका ऑपोजिट है, इसमें क्या होता है कि जो एंथर्स होते हैं, एंथर्स आर जॉइंट, ठीक है, जॉइंटेड, या और फिर फिलामेंट क्या है, इट इज फ्री, इट इज फ्री। तो क्या होगा, कैसे अरेंजमेंट होगा, इट्स लाइक दिस वन, ये देखिए यहाँ पे ये एंथर्स जॉइन है। ओके, ओके, और इसकी क्या है, नीचे से फिलामेंट सेपरेट है सारे, इट्स लाइक दिस वन, समझ में आ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉम्पोजिट फैमिली, क्या है, कॉम्पोजिटिव फैमिली, यानी कि कौन सा एग्जाम्पल आ गया इसमें, इट इज सनफ्लावर। ओके, दिस इज दी एग्जाम्पल, अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अब थर्ड वन देखते हैं, विच इज कॉल्ड दी सिनएंड्रस। क्या है, देखिए दो कंडीशन तो हो गए, एक में एंथर जुड़ा हुआ है, एक में फिलामेंट जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, इसमें एंथर एज वेल एज फिलामेंट दोनों ही क्या है, जॉइंटेड हैं, दोनों ही क्या है, जॉइंटेड है। किस तरह से होगा देखते हैं, इसमें पूरा एंथर भी कुछ इस तरह से जॉइंट रहेंगे। ओके, और नीचे फिलामेंट भी ऐसे पूरा सा जॉइंट, तो यहाँ फिलामेंट ने एक ट्यूब बना लिया सॉरी, एंड यहाँ पे ये एंथर्स का ट्यूब बन गया। ओके, तो इस तरह से पूरा जुड़ा रहता है, एंड द एग्जाम्पल इज कोलोकेसिया। ठीक है, एलोकेसिया, दिस इज दी एग्जाम्पल, क्लियर? ओके, चलिए ये तो हमने बात कर ली कोहेशन के बारे में, अब हम बात करेंगे एडहेशन के बारे में, लेट्स लुक ऑफ एडहेशन। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कौन से टाइप है, इसमें थ्री टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। पहला टाइप है विच इज कॉल्ड दी एपी पेटेलस,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेमन्स होता है ये किसके साथ जॉइंट हो जाता है, इट जॉइंट विद द पेटल्स यानी कि कोरोला, ठीक है, इसके साथ जॉइंट हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपेटलस। ओके, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ दिस एपिपेटलस इज वॉट, ब्रिंजल, ठीक है, मतलब कि ये देखिए ये क्या है, कोरोला हो गया कुछ इस तरह से, और यहाँ पर स्टेमन्स जो है वो इसके साथ क्या हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं, इट्स लाइक दिस। क्लियर, ठीक है, तो इस तरह से उसके साथ जुड़े रहते हैं। सेकेंड है एपी फाइलस, या उसको हम बोलते हैं एपी टेपेलस। क्या होता है ये, मैं आपको इनिशियली भी बता चुकी हूँ, कैलिक्स एंड कोरोला समटाइम दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड प्रॉपरली, तो ये दोनों ही जुड़े रहते हैं, उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं पेरिएंथ, और एक और नाम बोलते हैं टेपल्स, मतलब कि कंबाइंडली इट इज़ कॉल्ड पेरिएंथ, और इंडिविजुअली हम इसको बोलते हैं टेपल्स। तो अगर ये स्टेमन्स जो है वो किसके साथ जुड़ा है, दिस स्टेमन्स इज कनेक्टेड विद दिस टेपल्स, ठीक है, कैलिक्स कोरोला दोनों के साथ ही अटैच है, देन इट इज कॉल्ड एपिटेपलस या एपिफाइलस, अंडरस्टूड। एंड द एग्जाम्पल इज वॉट, अनियन, लिली, ये क्या है, एग्जाम्पल है, अंडरस्टूड, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज वॉट, गायंड्रस, थर्ड वन इज गायंड्रस, इसमें क्या हुआ, नाम से पता चल रहा है कि स्टेमन्स किसके साथ अटैच है, गाइनोसियम के साथ, ओके फाइन, फीमेल पार्ट के साथ अटैच है, देन इट इज कॉल्ड गायंड्रस। एंड द एग्जाम्पल इज वॉट, कैलोट्रोपिस, ओके। सो आई होप ये थ्री टाइप एडेशन के आपको क्लियर होंगे, ठीक है, ये तो इसका अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेमन्स का ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ठीक है, कि स्टेमन्स जो है उनकी फिलामेंट की लेंथ अलग अलग होती है, उसके बेसिस पे भी ये दो तरह का होता है, तो देखते हैं वो क्या है, क्या है स्टेमन्स का क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द लेंथ, लेंथ के बेसिस पे दे आर टू टाइप, डाई डायनमस, ओके, एंड टेट्रा डायनमस, ओके, देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। डाई डायनमस में क्या होता है, इसमें टोटली कितने फोर स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, इस फोर स्टेमन्स में से टू स्टेमन्स शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट मतलब कि उनका क्या है, फिलामेंट छोटा होगा, उसकी हाइट कम होगी, एंड टू क्या होते हैं इसमें, लॉन्ग होते हैं, एंड द एग्जाम्पल इज साल्विया, क्या है एग्जाम्पल, साल्विया, कैसे होता है देखते हैं, ये देखो अरेंजमेंट यहाँ पे, एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और दो उसमें से कहाँ निकल के आ रहे हैं, लॉन्ग, ठीक है, समझ में आ रहा है, टू शॉर्ट एंड टू लॉन्ग, ओके। नाउ इसमें देखते हैं टेट्राडाइनमस में, इसमें सिक्स स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, और सिक्स स्टेमन्स क्या है, टू रोल बना लेते हैं, मतलब एक आउटर कवरिंग और एक इनर कवरिंग, तो क्या बना लेते हैं, टू रोल बना लेते हैं, उसमें से आउटर जो रोल होता है उसमें कितने टू स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर वॉट, शॉर्ट इन हाइट, ये शॉर्ट होते हैं, ठीक है, और जो इनर रोल है, क्या है जो इनर रोल है, उसमें कितने स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, फोर स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दे ऑल आर लॉन्ग, ओके। चलिए देखते हैं इसका कैसे अरेंजमेंट होता है, इट्स अरेंजमेंट्स लाइक दिस, ये हुआ यहाँ पर टू स्टेमन्स मिले और इन्होंने क्या बना लिया, आउटर रोल बना लिया, ठीक है, लाइक दिस। अब इसके अंदर वाले रोल में क्या है, यहाँ पर फोर स्टेमन्स हो गए, ये क्या है, ये लॉन्ग है, ओके, एंड दीज आर द एंथर,
क्लियर. सो लाइक दिस दे आर अरेंज. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट एंड्रोसियम. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.